हेलो बाबूलाल जी थोड़ा तो रामू जी मार सामने बहुत और बाकायदा और फेसबुक पे मैंने घोषणा करके और अक्टूबर में नुक्ता प्रथा में गीत गाने पर अपने आप पर पाबंदी लगा दी थी और उसके बाद में कम से कम 50 निमंत्रण मेरे को नुक्ता के मिले हैं और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि नुक्ता प्रथा में आप गीत गाने के लिए मुझे निमंत्रण देकर लाचार न करें। गुरु जी एक मिनट गुरु जी आगे आ तो मैं एक दो शब्द बोल दू। आयावाणी गीत गावा सुको न तो नुक्ता बंद करे न कोई रिफेले तो बंद है मारी सेनाओं खड़ारिया को मारे एक छोरो से बराबर जोड़ी मला दी जो हूं संपन्न बालखिया का अरे एक रिपे मौको बारी दे दी कोई को लेना तो मला आया का भाई साहब बंदी दे एक ही छोरो से मारे पर छोरा छोरी बराबर का है गुण बराबर है अरे एक रिपे मैं धरती हूँ ले जा रहा आटक मैं तो वह जाना आओ जो लिया हूँ फेले जा धरती हूँ पहली बार तो मास्टर संभड़े खाता पीता से ही तो मैं मांग रखा बाड़ा या अमल भर रही मार को लाग रही हो तो यम खेती है आवारी तय कर देता हूं बातों से गाय न तो वहां सबड़े लाग रही है थारे मार लाग रही है हेलो अरे उनकी घरवाली थी तो वो लोग जने जे बिल्कुल का अनाज चा जे काय लियावा चार आए छाणो करे चार खाले चार पेट भर ले चार शंकर भगवान और पार्वती जी आ रहा था तो वह गल गल पार्वती जी खेचे कचैया ने बरदान दे अरे कचैया का लेख में को बरदान लक्ष्मी तू काय को बरदान दो नहीं कचे दई शंकर भगवान तो बैठ गा दूर और पार्वती माता जा और वहां की कचे भाई आओ मत तो पार्वती और बोचे शंकर भगवान अब वो मजबूती चा वो खिया और काय करा मैं पार्वती को शंकर भगवान को अरे कचे भाई आओ थाने बरदान देला तो मधुबती हो बा का नाते वरदान में भी कौन समझे था कचे वरदान का है थे कचे तीना ने तीन वरदान देला ये के जे मांग सोई है जाला कचे ठीक छे सा अब वो देवी जी ने मारे घराली समझ लियो जे काहे खेचे कचे मैं अंदर की प्रिय जाऊं तो माता पार्वती खेचे कचे तथास्तु वो अंदर की प्रिय की अब कोई राजा को कौन आयो जम रामगढ़ में राज बतायो इस बार आपने राम जी लाल जी शेर राम को जे उठा रो न महिला में लेबो अब छो डोकरो देखियो साला कोड़ी सो आयो छाणियो बाप रे छो और जीशु कोई रोटी टू कर देची अब काय करा आपने कौन रोटी कर दे लो तो भाई महाराज वो डोकरो काय मांगियो कचे वो सूरडी बढ़ गया कचे तथास तू तो वो सूरडी बढ़ गई तो ये राम जी लाल है तो मैं लाऊ सोन दे लाता के तब पटक दी अब छोरो रोगो अब काय करा डोकरी तो बढ़ गई सूरडी और आपा दोनों रगा मन तो आपा काय मांगा तो छोरो खचे कचे महाराज में तो दिशा का दिशा आया जावा कचे तथास तू या तो चाह अपना समाज को चाहे ज्ञान में समझाओ चाहे अध्यक्ष जी क्या चाहे अपना जिला का तहसीला का इकाया का ग्राम पंचायत का ये तरीका की तो अपनी जाति से और दूसरी जाति को देखो अगर एक बूढ़ी डोकरी थी और अनाथ थी उनके एक जो छोरो अब वो गरीब डोकरी को ब्याह कौन करे छोरा को सा अब वो ही शंकर भगवान और पार्वती जी आया और वो खेचे कचे पार्वती जी खेचे शंकर भगवान ने कचे ही डोकरी ने वरदान दे कचे भाई ने ये एक वरदान से जा दिया वो भैया काय मांगस हो मांग ले तो भाई गुरु महाराज हो पंच परमेश्वर हो वो डोकरी काय खेचे कि मारा बेटा ने मारा पोता ने सोना का कटोरा में दूध पाती हुई देखूं तो बोलो गरीब को ब्याह लो पोतो जन्म लो उनका आंख बना ली और वो पिसाड़ी बना ली ने जद ही वो दूध पावली तो वो दूसरी समाज तो ही गलत है जे ये की वरदान में चार वरदान मांग लिया और आपा गीता में भी समझा रहा था समाज में भी समझा रहा था अब की बार देखो आकाशो कोई घर को नहीं मीन सल में न मालूम काय भू बैठ गया के ईश्वर का ना कश्यो गया के गट में बैठ गो जे मतलब जो पैसा भी करवा दियो तो ना
डोसो पटेल माखे अध्यक्ष साहब से बालाजी आलो जी तो पाचे पाचे डीजे पाचे। अरे बेटिया बाप का जो कहीं तो ब्याह बगड़गा कहीं हम लट डालगा जे मथाना उदाहरण बता दियो तो आप तो यही प्रक्रिया का था। फिर री बात माखे एक गुरु जी बैठा थे स्टेज कमाला मुकेश जी री सब जे जाम दा पंचायत का कोर्ट का तहसील का कर्मचारी बल है। अरे एक मिशन चलायो नुकता बंद करो नुकता बंद करो करो भाया वो नुकता तो मान लिया। अरे दादा वो नुकता तो बंदी छे नुकता तो 40 मन खांड 50 मन खांड 30 मन खांड अब वही एक बोरी गाड़ी बोरी चूंकि भी बुलाए 5 किलो गा जा। लेकिन सबसे बड़ो क्रम तो कई बच्चिया कुंवारी रह रही 30-30 वर्ष की 35-35 वर्ष की ये कर्मचारी क्यों ना शपथ खावाई बात की दहेज ले बाकी दहेज दे बाकी अबार विष्णु जी भाई ने क्यों ने देखा चलाओ कोर्ट खाओ तहसील का मेरा कर्मचारी और तहसील का झुक जला। अरे सामूहिक विवाह चालू करो ने उमचे आनंद तो नहीं कतराई समाज कर लियो कतराई गीत गा लियो कतरी सभा कर लियो आप तो वो जिया का जिया रहना था। अब गाओ भाई महाराज के गावन बतिया का जाना जी मत घर और बहुत बढ़िया बात बताई इन्होंने और सब